नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कृपया लक्ष लेकिन सात समंदर पार मेरे भीम का नाम मशहूर है। साजो लगाया भीम सारे एक हो गए, कैसे जान पाकर हम सब नेक हो गए। ताजुद्दीन इनामदार साहेब यांचं स्वागत सुधीर ओलेजी करतील। ताजुद्दीन इनामदार साहेब बोलायचं। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमोल कीर्तिकर साहेब इथे आलेले आहेत, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। गाणं चालू करायला हरकत नाही आणि यानंतर आपल्याला एक झुंबा डान्स सुद्धा होणार आहे, जे पूर्ण व्हायरल क्लिप आहे। टाइमचे पत्रकार सगळेच मीडिया, लॉर्ड बुद्धा टीव्ही, आकाश, आवाज इंडिया आणि बाकीचे सर्व पत्रकार बंधूंना मी धन्यवाद देतो की आपण इथे आला। सर्वांनी विचार मंचावरून खाली यायचं, अजिबात गार्ड प्लीज सगळ्यांना खाली करा, मंचाच्या खाली विचार मंचा खाली करा, विचार मंचावर सगळ्यांनी खाली। माता रमाईच्या लग्नाचा 117 वाढदिवस सर्व धर्म सर्व धर्म बंधू या ठिकाणी एक लहान मुलगी आलेली आहे देखो ऐसा है कि हमारे मराठी में कहावत है प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठी एक स्त्रीचा हात असतो, तो हमें रमाई का भी हमारी जो माता है उनका भी याद यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। आज ये सिर्फ 132 जयंती उत्सव नहीं थी, तो रमाई जो थी उनका आज जन्मदिन था, बाबा साहब और रमाई का 125वां उनका वेडिंग एनिवर्सरी था, और ये जो केक कटिंग का जो हमने सेरेमनी जो किया वो हर कास्ट के धर्मगुरु के हाथों से किया। तो ये मैसेज है लोगों को
कि बाबा साहब एक धर्म के नहीं थे, वो हर जाति धर्म के लोग थे, और आज संविधान जो दिया है वो सभी के लिए दिया है। तो ये जो जयंती उत्सव है ये पूरे देश में एक महीना तक सेलिब्रेट होती है। आज गोरेगांव में हुई, 14 अप्रैल को हर गल्लो गली में हो रही थी वो। सर, केक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब 132 किलो का केक ये काटना है, मतलब कहाँ से ये प्रेरणा आई? देखो ऐसा है कि मेरे जो मित्र है डॉक्टर कदम, उन्होंने जांबोरी मैदान में 8 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की थी, और खासकर मुझे इन्वाइट किया था। और जब मैं वहाँ पे गया तो उनकी जो टीम थी काफ़ी एकदम वेल प्लानिंग से उन्होंने वो जयंती उत्सव किया था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। और जब मैं वहाँ से बाहर आया तभी मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि सेम जयंती मुझे गोरेगांव में करना है, और आज सब आप जो देख रहे हो उसमें उनका भी उतना योगदान है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई है, उनके जो बहुत संख्या में यहाँ पे उपस्थित और बहुत उत्साह उनमें देखा जा रहा है, बहुत उन्होंने इंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, बाबा साहब ने हमेशा बोला शिखा व संगठित हुआ। उनके तो काफ़ी ये थे महिलाओं के लेके, उन्होंने जो अभी अवार्ड साहब ने उनके भाषण में भी काफ़ी कुछ अपने को हम सभी को एक नॉलेज दिया। तो जो संविधान है, लास्ट में अवार्ड साहब ने बोला था कि किधर तो ऐसा लग रहा है संविधान धोखे में, तो आज हम सबको इकट्ठा होके उन संविधान की रक्षा करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। सर, आज कौन कौन उपस्थित थे, मतलब कौन से अतिथि आज विशेष तौर पर यहाँ पर? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हर पार्टी के लोग थे, मैं बीजेपी के मेरे मित्रों लोग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके भी कुछ मेरे दोस्त जो वो मेरे लिए नहीं आए थे, वो जो बाबा साहब को मानते हैं उनके लिए आए थे, और जो हमारे अवार्ड साहब है वो थे, हमारे कार्याध्यक्ष राखी दीदी थे, जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे थे, जिला निरीक्षक ताजूबाई थे, हमारे गोरेगांव के मालू साहब, नौशाद भाई, हमारी पूरी टीम। उसके बावजूद कांग्रेस के बंटू भाई, सूर्यकांत मिश्रा, समीर नाइक, मनोज यादव, राम सेवक जी, शिवसेना से अमोल भैया कीर्तिकर, समीर देसाई, लोचना ताई, लक्ष्मी भाटिया, लक्ष्मण नेरकर, कांग्रेस से चेतन भट्ट भी आए थे। तो ऐसे सब जन आए थे यहाँ पे, और सब जन ने एंजॉय किया और अप्रिशिएट किया कि नहीं, ये ऐसी ही जयंती गोरेगांव में होना चाहिए। और ये मेरा मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो बाबा साहब जयंती जो आने वाली है अगले साल, उसमें सब मंडल एक साथ होके एक ही जयंती सेलिब्रेट करेगी, और वो पूरे देश में उनका नाम लिया जाएगा। और आज ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ राष्ट्रवादी ने, इनके पीछे जो मेहनत किया यहाँ के सब मंडल, ये मीठानगर के प्रवीण चिंद उनकी टीम है, भगत सिंह नगर की टीम है, लक्ष्मीनगर की टीम है, गाँव देवी की टीम है, सभी जन ने इकट्ठा होकर ये जयंती का सेलिब्रेट किया है। सर, ओवरऑल आज का कार्यक्रम कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा प्रोग्राम? और अजय जी, जहाँ तक हमने भी देखा, ये जो भीड़ है, ये बगैर पैसे के बुलाई भी भीड़ थी, आप हम देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम कितने करीबन कितने लोग हो गए थे? मेरे हिसाब से हमने जो चेयर्स लगाया था वो 5,000 था, सिटिंग अरेंजमेंट थी और खड़े थे। और तो इसके पीछे ये जो लोग है, आपकी जो लोकप्रियता है, गोरेगांव ही नहीं, यहाँ पर अंधेरी आसपास मलाड़ के भी लोग काफ़ी आए थे, तो ये लोकप्रियता को मतलब हासिल करने के लिए आपकी इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है? देखो ऐसा है ना, जब बाबा साहब का नाम आता है ना तो कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पे जलगांव, नासिक, धुला, रायगढ़, यहाँ से लोग आए थे। मैंने मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे किया क्योंकि सभी को आगे से प्रोग्राम देखना था, लेकिन मैं वो पॉसिबल नहीं था। तो कमी हो गई, फिर आपने बाहर से और मंगाया? मैंने क्या बोला, ये पहला साल था, अगले साल इधर यहाँ से भी ज़्यादा। गोरेगांव में अब तक होने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ है ये आज। क्या मैसेज, आप एक आखिर क्या मैसेज मुंबई तक और पूरे महाराष्ट्र को देना चाहते? मैसेज तो जो हमारे अवार्ड साहब ने बोला आप सभी को कि संविधान धोखे में हम सबको एक होना चाहिए, यही मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे सर, कल अजीत पवार जी ने ये बयान दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, और देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बयान दिया कि ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। देखो, मुख्यमंत्री तो बनने की उनकी तमन्ना है ही अजीत दादा की, और वो अच्छे मुख्यमंत्री भी बन सकते, उसमें गलत क्या है? सर, आपने भी कहा था सर कि आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कब कहा था? मेरे मेरे जबान में, मेरे मेरे मुँह में कुछ भी मत डालो। सर,